सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री की मंशा अनुसार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न अनुसंधान केंद्र डिंडोरी में खोल रहे हैं। इसी प्रकार से दलहन में चना अनुसंधान केंद्र मालवा में, सरसों का अनुसंधान केंद्र चंबल में खोला जाएगा। इसके माध्यम से हम सभी प्रकार की जींस, खासकर दलहन के मामले में प्रोत्साहन देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर सड़क का नेटवर्क बढ़ाने की दिशा में डायरेक्ट कनेक्टिविटी राजधानी से बढ़ने के लिए, जैसे विंध्य एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति पथ, मालवा का उज्जैन इंदौर तरफ का सीधा एक्सप्रेसवे, ये भी हमने प्रस्तावित किया है। अभी जो रोड है वो अपने 4 लेन है, उनको 6 लेन में बदलेंगे, लेकिन सीधा एक्सप्रेसवे 200 किलोमीटर से ज़्यादा ऐसे रीजन जैसे विंध्य, चंबल, मालवा, महाकौशल, इनसे सीधी कनेक्टिविटी हमारे राजधानी से जोड़ी जाएगी, जिसके कारण से सीधा आवागमन का एक बड़ा संपर्क जुड़ेगा। हवाई यातायात को भी बहुत प्रोत्साहन मिला है।